हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टुडे आर टॉपिक इज़ कैम साइकिल कैम साइकिल इज अ डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस साइकिल रन्स इन डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वी ऑल नो फेजेस लाइट एंड डार्क फेजेस कुछ रिएक्शंस लाइट फेजेस में होती हैं और कुछ रिएक्शंस डार्क फेसिस में होती हैं सो कैम साइकिल इज अ रिएक्शन विच ऑकर्स इन द डार्क फेज ऑफ फोटोसेंथेसिस कैम साइकिल जो है उसकी फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म क्या होती है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म ये इसकी फुल फॉर्म है कैमसाइकिल की क्रेसोलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म सो दिस इज अ साइक्लिक रिएक्शन ऑकरिंग इन द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ऑफ क्रेसुलेशिया क्रेसुलेशिया की प्लांट्स के अंदर ये जनरली मिलती है कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है इन विच कार्बन इज फिक्सड इन शुगर मोलिक्यूल्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स सो कार्बन इज फिक्स्ड, सो कार्बन फिक्सेशन का एक प्रोसेस है इसके अंदर तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है मेलिक एसिड मेलिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग कैम साइकिल दिस साइकिल इज एग्जिबिटेड मोस्टली बाय सक्युलेंट्स कैक्टस और एंड ऑर्किड्स ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें जनरली ये साइकिल देखने को मिलती है इनमें क्यों मिलती है क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है वो सक्युलेंट होती है और फ्लैशी होती है इनके अंदर जो मिज़ोफिल होता है मिज़ोफिल इज़ मिज़ोफिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट्स और वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट्स और वस्कुलर बंडल्स होते हैं ये बंडल शील्स सेल्स से सराउंडेड नहीं होते हैं मतलब सराउंडेड होते हैं लेकिन वो जो बंडल शील्स सेल्स होते हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड नहीं होती हैं एस वी ओल नो एक सेल के अंदर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक शीत से सराउंडेड होते हैं जिसे हम बंडल शीत बोलते हैं सो ये जो बंडल शीत्स होती है कैम साइकिल के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये वाली बंडरशीज जो है ये इतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होती है इसके बाद जो टोमेटो होता है वो ओपन होता है रात को नाइट में और क्लोज रहता है डे टाइम में सो दिस प्लान्टिस कैम्प प्लांट दिस आर बेस्ट इन जेरिक कंडीशंस देयर इज एक्सट्रीम डेसिकेशन को ये लोग मैनेज कर सकते हैं और सीथरी और सी फुर प्लांट्स को अगर हम सॉरी सीफुर प्लांट्स और कैम्प प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम कैम प्लांट्स की बात करें तो कैम प्लांट्स जो है वो जेरिक कंडीशंस के प्लांट है मतलब अगर इनको वाटर कम मिलेगा तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं काफ़ी जेरिक कंडीशन में काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं वही ऑन द अदर हैंड अगर हम सी फूड प्लांट्स की बात करें तो ये इतने ज़्यादा जेहरिक कंडीशन को बेयर नहीं कर सकते हैं इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट कम इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस कैम साइकिल सो देर आर टू स्टेप्स एसिडिफिकेशन एंड डी एसिडिफिकेशन वट फर्स्ट स्टेप वी हैव इज एसिडिफिकेशन वॉट हैपन्स इन एसिडिफिकेशन सो एसिडिफिकेशन जो होती है वो होती है डार्कनेस में मतलब कि रात को रात को जब मैंने बताया था कि रात को क्या होता है टोमेटा क्लोज होते हैं जब टोमेटा क्लोज होते हैं तब ये प्रोसेस होता है एसिडिफिकेशन का सो so, इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इंटू फोसफो इनोल पारविक एसिड विच इज़ अ प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से भी यही होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कन्वर्ट होते हैं फोसफो इनोल पारविक एसिड के अंदर सो फोस्फो इनोल पारविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है ओग्जैलो एसिटिक एसिड के अंदर ये कैसे होता है कार्बोक्जिलेस से कार्बन फिक्सेशन से फोर्सफो इनोल पारविक एसिड कन्वर्ट्स इन टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सो दिस प्रोसेस हैपन्स इन एसिडिफिकेशन इन द डार्क फेज ऑफ दिस साइकिल नेक्स्टली वट इज डी एसिडिफिकेशन द सेकेंड प्रोसेस द सेकेंड स्टेप ऑफ कैम साइकिल ये कब होता है ड्यूरिंग द डे टाइम द डे टाइम वन लाइट इज देयर वैन द स्टोमेटा आर ओपन सो वैन द स्टोमेटा आर ओपन सो मेलिक एसिड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर ओक्जैलो एसिटिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद फॉर्म होता है मेलिक एसिड सो मेलिक एसिड जो है वो डीकार्बोक्सिलेट करेगा यानी कि अब सीओ टू का एलिमिनेशन होगा और मेलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू पायरविक एसिड नाउ दिस पायरविक एसिड विल फर्दर कन्वर्ट इंटू फोस्फो इनोल पायरविक एसिड सो दिस इज ऑल्सो साइक्लिक प्रोसेस in this process of deacidification malic acid is removed due to the removal of malic acid the acidity decreases in the cell and this is called as deacidification means acidity decreases in the cell and in this process also 1 mole of nadp is reduced along with co2 1 mole of nadp is eliminated is reduced so this is the whole process now let's have a look at the cycle this is the cycle of chem plants सो दिस इज द डार्क फेज ऑफ दिस साइकिल एंड दिस इज द लाइट फेज ऑफ दिस साइकिल लाइट फेज विच मीन्स डे एंड इन दिस फेज दिस टोमेटा आर क्लोज एंड इज द डार्क फेज दिस टोमेटा आर ओपन सो अब अभी टोमेटा जो है वो ओपन है तो सी टू जो है टोमेटा के थ्रू साइकिल के अंदर एंटर करेगी सो so, यहाँ पर सेल्स के अंदर दो रीजन होते हैं होता है क्लोरोप्लास्ट एक होता है वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट में है फूड स्टोर रहता है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च है वो हमें मिलता है अब ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट होता है फोस्फो इनोल पायरावेट के अंदर फोसफो इनोल पारवेट जो है ये इसके बाद कन्वर्ट होता है इनटू ओक्जेलो एसिटेट मीन वाइल ये एंजाइम यूज़ होता है पीईपी ई पी विच इज़ फोस्फो इनोल पारवेट कार्बोले सॉरी सो अब क्योंकि फोसफो इनोल पारवेट कन्वर्ट रहा है तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा पी ई पी क्यों है क्योंकि सी की हेल्प से सी का रिडक्शन हो रहा है उसी से कन्वर्ट हो रहा है सो कारबोक्सिले एंजाइम इसमें यूज़ होगा ये सी ओ से आ रही है एन्वायरमेंट से जब स्टोमेटा अब यहाँ पर डार्क फेज है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन है अब स्टोमेटा ओपन है सो so एंट्री भी होगी सी ओ टू की और लॉस भी होगा तो रात के टाइम पर सी ओ टू जो वो एंटर करता है इंटू दिस साइकिल फोस्फोनोल पैरावेट कन्वर्ट हो जाता है इंटू ओक्जैलो एसिटेट यहाँ पर एन ए डी एच से एन ए डी पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है थ्रू एन एनजाइम एन ए डी पॉजिटिव मैलिक डिहाइड्रोजिनेस एन ए डी पॉजिटिव अब क्योंकि यहाँ पर एन ए डी एच का रिडक्शन हो रहा है एन ए डी पॉजिटिव के अंदर तो एन ए डी का ही कोई एंजाइम यूज होगा मैलिक एसिड में फॉर्म हो रहा था मैलिक एसिड विज ऑल्सो यूज सो एन ए डी पॉजिटिव मैलिक डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से ओक्जैलो एसिडेट कन्वर्ट हो जाता है इंटू मैलिक एसिड नाव ड्यूरिंग द डार्क ड्यूरिंग द नाइट टाइम द वैक्यूल्स आर ओपन सो दिस एसिड इज रिमेन

वैक्योज के अंदर जो मेलिक एसिड स्टोर था नाउ दिस मेलिक एसिड विल कन्वर्ट इन टू मेलेट एंड मेलेट विल फॉर्म पायरवेट एंड मीन वाइल इट विल डी कारबॉक्ट इट सी ओ टू भी एलिमिनेट होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेलेट से पायरवेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो सी ओ टू भी रिलीज होगा एन ए डी पी भी रिलीज होगा सो ये कैसे होगा एन ए डी पी पॉजिटिव मेलिक एनजाइम की हेल्प से सो so, ये जो है ये बाहर चले जाएंगे सेल से इंटर सेलुलर स्पेस में चले जाएंगे मेलेट से पायरावेट बना है पायरावेट जो है अब वो स्टार्च की फॉर्म में कहां स्टोर रहेगा इन द क्लोरोप्लास्ट अब यहाँ पर जो सी सी है ये बाहर तो जा नहीं सकता है क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है और स्टोमेटा क्लोज है तो ये बाहर नहीं जा सकता है तो अब ये जो यहाँ पर सी ओ फॉर्म हुआ है ये पार्ट लेगा सी थ्री साइकिल के अंदर कैलविन साइकिल के अंदर जो कि हमने पढ़ा था ना कैलविन साइकिल के अंदर क्या होता है कि सी थ्री साइकिल के अंदर सी ओ टू मोलिक्यूल्स है उनसे क्या बनता है शुगर के मोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है सो ये वाला जो सी ओ टू सी कैम्प साइकिल से निकल रहा है दिस सी ओ टू दिस सी ओ टू विल गो थ्रू सी थ्री साइकिल एंड विल परफॉर्म दिस साइकिल विल टेक पार्ट इन दिस साइकिल सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कैम प्लाट्स आई होप आपको सब समझ आ गया होगा और अगर अपने अभी तक सीथरी प्लांट्स पर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप पहले सीथरी प्लांट्स की साइकिल देखेंगे तभी आपको कैम साइकिल प्रोड्यू जो है उसका बात हुए काफ़ी क्लियरली समझ आएगा सो so, ये दोनों साइकिल्स जानना बहुत ज़रूरी है and i hope you like the video and if st you still have any doubts you can comment me in the comment section and don't forget to subscribe the channel thanks for watching